संगम नगरी प्रयागराज के सबसे बड़े ब्लॉक बहरिया का विकास इन दिनों पूरी तरह से रुक गया है। बहरिया ब्लॉक में एक प्रधान ने ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर प्रवीण नंद पर प्रधानों से अभद्रता करने के आरोप लगाया है, जिसके बाद 87 ग्राम प्रधानों ने 10 दिनों से अपने काम को रोक दिया है, जिसके बाद भीषण बारिश में जगह जगह जल भराव की समस्या हो रही है, साथ ही जन समस्या भी हल नहीं हो पा रही है। मूल इनकी जो लड़ाई है वो सिर्फ स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लोग कुछ मुद्दे लेके, ज्वलनशील मुद्दे लेके गए थे ज्ञापन देने, और उस ज्ञापन को लेने के लिए बीडीओ साहब नहीं आए और बोले कि इनको बोल दो कि बाद में आएंगे, या जो भी बोले। सारे प्रधान लोग जमीन पे बैठ गए, घंटों बैठे रहे, उसके बाद भी बीडीओ साहब उचित नहीं समझे। तो जो भी एक वर्तमान प्रमुख के पिताजी आए थे, तो उनके रिक्वेस्ट करने पे वो एक मिनट के लिए बाहर आए, और जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं श्री राजेश सिंह जी, इन्हीं से वो बोलने लगे कि तुम लेटर पढ़ के सुनाओ। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप पढ़िए भाई, एप्लीकेशन हमारी है, आप पढ़िए। टोटल मिला के मुद्दा यही है कि भाई बीडीओ साहब का ट्रांसफ़र कर दिया जाए बगल के ब्लॉक में, चाहे सांसो चाहे बहादुरपुर में। इसके लिए हम लोगों ने अपने वरिष्ठ नेता से और वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की है, उन्होंने भी पूरा आश्वासन दिया है कि 2-4 दिन में इनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। हमारे प्रधान भाइयों से भी हमारा एक आग्रह है, निवेदन है कि ये लोग भी अपने सब्र का परिचय दें और आने वाले 2-4-5 दिनों में उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बहरिया ब्लॉक में एक प्रधान के उप मुकदमा दर्ज हो गया था, उसी के मुकदमा लिखे जाने के बाद प्रधान निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग कर रहे थे। इसी बात का ज्ञापन लेकर जब प्रधान बीडीओ के ऑफिस में पहुंचे और घंटों नारेबाजी करने लगे, प्रधानों का आरोप है कि बीडीओ मौके पर आए और प्रधानों से अभद्रता कर दी, जिसके बाद प्रधानों ने काम ठप कर बीडीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अब प्रधानों के समर्थन में बीजेपी के नेता भी बीडीओ के खिलाफ आ गए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जन प्रतिनिधियों का इस तरह का अपमान किसी भी अधिकारी को नहीं करना चाहिए। प्रधानों और बीजेपी नेताओं ने सोमवार तक बीडीओ के खिलाफ कार्यवाही न होने पर ब्लॉक में तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया है। प्रधानों की मदद करने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ, और जिस तरीके से लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का कहने का अधिकार है, पार्टी अपनी जगह है, जनता के ये सेवक होते हैं, और जनता का काम अगर ये नहीं करेंगे तो इनसे जनता पूछती है। जिस तरीके से प्रधानों जी के द्वारा हमें जो जानकारी मिली कि बीडीओ महोदय के लोग ज्ञापन देने गए थे और ज्ञापन को लेने वो नहीं आए, और इनके साथ अभद्रता किया, और उस अभद्रता को मैं भी कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा, नहीं भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त करेगी। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को बहरिया ब्लॉक में रहने का अधिकार नहीं है। हम इसकी शिकायत ऊपर तक अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं से करेंगे, और हम लोगों ने इन्हीं के माध्यम से अभी माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया था। सोमवार तक अगर इस पर निर्णय नहीं होता है तो इनका जो भी आदेश होगा हम इनके साथ हैं, न्याय की लड़ाई के साथ हैं।